हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए टू जेड स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दिस इज़ आयुष। एंड जो आपकी क्लास है अग्निवीर वायु की 2022 के लिए चल रही है, ठीक है, एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए। तो मैंने आपको कहा था टॉप लेवल क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो आपने कल की वीडियो में डेमो देख लिया। चलिए आज फिर से 30 क्वेश्चन करेंगे। आज के क्वेश्चन थोड़े से और ऊपर लेवल के लाया हूँ, जिससे कि आपकी जो प्रैक्टिस है थोड़ी हार्ड हो जाए, बिकॉज हम जितना हार्ड प्रैक्टिस करेंगे उतने क्वेश्चन हमको क्या लगेंगे, ईजी लगेंगे, है ना। अगर हमें 1600 मीटर के लिए भागना है तो हमें पहले 5 किलोमीटर भी तो भागना पड़ेगा ना, आधे घंटे में। तभी तो 1600 मीटर, हमारे 1600 मीटर भागने के लिए जान आएगी, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है इधर लेके चलो, जो फिजिकल के बच्चे हैं वो मेरी बात आसानी से जो है समझ गए होंगे। चलिए शुरू करते हैं, है ना। कल के क्वेश्चन आई होप आपको पसंद आए होंगे। आज भी वैसे ही क्वेश्चन लाया हूँ, मतलब थोड़े से एयरफोर्स लेवल के लाया हूँ, थोड़े से मतलब उससे ऊपर लेवल के लाया हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 से, बिकॉज 30 क्वेश्चन करवाए थे मैंने, तो मैं इसमें नंबरिंग नहीं डालूंगा ऐसे कि 1 2 3 हो गया, जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे बस, ठीक है। तो इधर वैसे क्या लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है कि यहाँ पे हमें सेम मीनिंग पता करनी है। क्या करनी है? सेम मीनिंग पता करनी है। सेम मीनिंग का मतलब क्या होता है, सबको बताया था मैंने, सिमिलर, है ना। सिमिलर मतलब ही सेम होता, ये भी याद कर लीजिए, कभी कभी जो है बाई चांस पेपर में ये भी आ जाते हैं कि सेम मीनिंग का जो है सिम, वैसे ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, लेकिन फिर भी जो है आ जाता है, ठीक है। आज लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, 1 मिनट रुकिए, मैं थोड़ा सा ढंग से कर दूँ ना इसको। यहाँ पे लिख देता हूँ सिमिलर, और सिमिलर का सेम चीज़ क्या हो जाएगा, सिनोनिम, ये भी हम जो है बोल सकते हैं इसे। तो जो है आपका सिनोनिम का एग्जॉटेड, एग्जॉटेड का मतलब क्या होता है पहले हम ये जानेंगे, ठीक है। क्या जानेंगे? एग्जॉटेड का मतलब क्या होता है, तभी तो आप मुझे बता पाएंगे, है ना। यहाँ पे लिखवाता हूँ क्वेश्चन मार्क डाल के, बिकॉज क्वेश्चन है। एग्जॉटेड का मतलब होता है एनकरेज करना, हौसला करना, ठीक है। क्या क्या देना है? हौसला बढ़ाना, एनकरेज यहाँ पे लिख देता हूँ, एनकरेज करना यानी जो है हौसला बढ़ाना, ठीक है। किसी को बहुत ज़्यादा हौसला बढ़ाना, या फिर किसी को बोलना, है ना, कि मतलब एक तरह से आपका होता है ना, हिंदी में शब्द होता है प्रोत्साहित करना, ठीक है। क्या होता है? प्रोत्साहित करना। तो जो आपका प्रोत्साहित करने का मतलब होता है वो भी क्या होता है, इंग्लिश में अगर हम उसे बोले तो क्या हो जाता है, वो एनकरेज करना, ठीक है। तो आपको मतलब तो पता चल गया, बाकी सबका मतलब जानना भी जो है हमारे लिए ज़रूरी है। सॉरी आपको थोड़ी सी आवाज़ इधर उधर आ रही होगी, बिकॉज गर्मी में क्या होता है ना, माइक सेट करने में बड़ी झंझट होती है, पसीना बहुत निकलता है गर्मी में माइक सेट करने से। ओके तो हम कहाँ पे थे? एंड चलो इसका तो मतलब आपको पता चल गया, एनकरेज करना मतलब हौसला देना, प्रोत्साहित करना। इनहिबिटेड मतलब क्या होता है ना, इनहिबिटेड मतलब भी तो आपको जाना चाहिए, नॉट कॉन्फिडेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देते हैं, सेकंड ऑप्शन डाल के यहाँ पे लिख देते हैं नॉट कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट, ओके। क्या लिख देते हैं? नॉट कॉन्फिडेंट सेकंड का होता है, और थर्ड ऑप्शन का क्या होता है, रिस्ट्रेंड करना। रिस्ट्रेंड का मतलब क्या होता है, एक तरह से काम, एक्टिंग इन काम, ठीक है, काम एक्टिंग भी हम बोल सकते हैं, मतलब शांत रहना, ठीक है। क्या रहना? शांत रहना। ऑप्शन नंबर 4 पे हम चलते हैं, चेक्ड का मतलब क्या होता है, चेक्ड का मतलब तो एक होता है कि चेक कर लिया, ठीक है। क्या होता है, एक 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 तरीके से होता है कि हमने जो है खोजबीन कर ली, और एक चेक ऐसा भी होता है ना, एक जो चेक होता है जो शर्ट पे प्रिंटिंग होती है ना ऐसे ऐसे खन्नों में, इसे भी हम क्या कहते हैं, चेक कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, अब जो इसमें क्या करना है, एक्टिव पैसिव वॉइस करना है। सबको सबको मालूम है, पहले हमें जानना पड़ेगा कि एक्टिव है कि पैसिव है। जो ये फॉर्म है ना, ये फॉर्म है, देखिए अमेरिका इज टू, अब यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है वो टॉम हावक मिसाइल को जो है फायर करना बन जाता है ना, डेवलप करना जो है, टेस्ट फायर करना बन जाता है हमारा टॉम हावक मिसाइल को। अमेरिका की मिसाइल है, आपको इससे थोड़ी जीके की भी नॉलेज हो जाएगी, है ना। बाई चांस अगर क्वेश्चन आ गया अमेरिका या फिर टॉम हॉक से रिलेटेड, तो आप आसानी से जो है, और ये इंडिजिनसली है, मतलब जहाँ पे जन्मी है वहीं पे बनाई गई है, ठीक है। इंडिजिनसली का मतलब ये होता है, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट अपनी जगह पे, ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे, तो ये हमको इससे ये पता चल गया कि जो ये है एक्टिव वॉइस पे, ना हमने मिसाइल को इधर उधर करा, ना हमने अमेरिका को इधर उधर करा। तो अब लेकिन अब जो है हम इसे करेंगे, पासिव को करेंगे। अब इसका जो पैसिव वॉइस बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस जो प्लस क्या करेंगे, टू बी, बिकॉज, ठीक है, क्या करेंगे, टू बी करेंगे,
क्योंकि यहाँ पे जो है आपका डेवलप्ड आया, डेवलप्ड के साथ साथ आपका टू बी आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी जो कि डेवलप्ड है, ओके, प्लस बाय, बाय बिकॉज बाय आता है और सब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि दोबारा हो जाता है। पैसिव वॉइस में क्या होता है, हम पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, हम दोबारा कर देते हैं। तो सब्जेक्ट, अब देखिए ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा है टॉम हैक मिसाइल है, और ये घर पे बनाए मतलब देश में बनाई गई है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा पहले हो जाएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो एन ठीक है, इन तीनों इन चारों में एकदम सही है। मिसाइल इस टू आर टू गलत हो जाएगा, इस टू बींग गलत हो जाएगा, बिकॉज मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट के पास टू बी आएगा, ये टू तो है लेकिन बी नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो टू है हमारा एकदम सही हो जाएगा। टॉमहॉक मिसाइल इज टू बी टेस्ट फायर्ड बाय अमेरिका ऑन मंडे, ठीक है, ये आया एकदम। देखिए पेपर जो है देने के लिए कम से कम ये मान लो 3500 वैकेंसीज है एयरफोर्स के अंदर, तो आपको 50,000, अभी तो 1 लाख बच्चे, तो आपको पता चल गया कि 1 लाख लोगों ने जो है फॉर्म भरा है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सेंटर दूर देख के नहीं जा पाते हैं, ठीक है, नहीं जा पाते हैं, तो ये मान लो 10-15-20-25 हज़ार निकाल दो, 20-25 हज़ार स्टूडेंट निकाल दो, तब भी आपका कॉम्पिटिशन 1.5 लाख बच्चों का है। 1.5 लाख बच्चों में आपको क्या आना चाहिए, सबसे तेज तर्रार आंसर देना आना चाहिए, ठीक है, चीट कोड बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि तैयारी सब करते हैं लेकिन जीतता वही है जो चीट कोड से खेलता है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये नहीं पूछेंगे आपको कितना आता है, आपसे सिर्फ आंसर मांगेंगे, वो भी 1 नंबर का परफेक्ट आंसर, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच, ठीक है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच। चलिए, सीता सेड टू हर गुड बाय, हैव अ नाइस जर्नी, सीता ने उससे उससे कहा, हर यानी कोई लड़की है जिससे कह रही है, सीता कह रही है कि बाय बाय और आपका जो यात्रा हो वो मंगलकारी हो, हैव अ नाइस जर्नी, मैंने भी एकदम जो है शुद्ध हिंदी बना के बता दिया, ठीक है। अब देखिए गुड बाय का मतलब क्या होता है ना, किसी को अच्छे से बोलना, ठीक है, किसी को विश करना, तो यहाँ विश तो है, आप समझेंगे कि मैंने विश बोला है तो विश आएगा, नहीं, ये दोनों ऑप्शन गलत है और ये टोल्ड भी गलत है। देखिए अगर हम किसी को कुछ अच्छा बोल रहे हैं ना, अगर हम किसी को कुछ अच्छा बोल रहे हैं, जैसे कि गुड नाइट, गुड बाय, गुड मॉर्निंग, जो भी एक तरीके से आपका गुड से रिलेटेड आ जाता है, ये नहीं गुड, गुड से नहीं, गुड से रिलेटेड, जैसे गुड नाइट, गुड बाय, गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड डे, तो ये सब क्या हो जाता है, बेड जो है ना आपका बेड में आ जाता है। बेड का मतलब क्या होता है, किसी को एक तरह से आपको क्या क्या कैसे बताऊं, बेड का मतलब होता है किसी को अच्छे से बोलना, किसी को विश करना, ये होता है बेड का मतलब, ठीक है। तो बेड हर गुड बाय एंड विश्ड विश्ड, ठीक है, विश का जो है आपका क्या बोलते हैं, वो चाहती थी हैव अ नाइस जर्नी, तो विश का विश्ड हो जाएगा, दैट शी हैड, हैड आएगा, हैव का जो हैड हो जाता है ना, थर्ड फॉर्म में सब चले जाते हैं, पास्ट फॉर्म में हैड अ नाइस जर्नी, ओके, जर्नी का मतलब होता है यात्रा, समझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना, टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज कर देना, या फिर जो है आपका YouTube पे जो कमेंट बॉक्स है आपका, उसमें भी आंसर जो मतलब डाउट है आपका वो डाल सकते हो आप। चलिए यहाँ पे आप हमें क्या फाइंड करना है, एरर फाइंड करना है, लॉस ऑफ 3 फ्रेंड्स एंड अ जॉब, वेयर द, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं एयरफोर्स में, रेयर क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एरर वाले जरूर आते हैं, मगर ऐसे नहीं आते कि आपको ऑप्शन दे रखा होगा किसमें फाइंड करना, ज्यादातर ऑप्शन ए बी सी से होता है, लेकिन मैंने आपका जो है लेवल बढ़ा दिया है, बिकॉज रेयर पूछा जाता है, अगर आ गया तो थक जाओगे देते देते, इसलिए मैं पहले ही करवा देता हूँ। लॉस ऑफ 3 फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कल भी करवाए थे ना, लॉस ऑफ 3 फ्रेंड्स एंड द जॉब विद द प्राइस पटेल हैड टू पे फॉर हिज इल टेम्पर्ड, इल टेम्पर्ड का मतलब होता है ना, जो गुस्से वाले आदमी होते हैं ना उनको कहते हैं इल टेम्पर्ड, जिनका दिमाग थोड़ा घूमा हुआ होता है उनको कहते हैं इल टेम्पर्ड, ओके। द लॉस ऑफ 3 फ्रेंड्स यानी 3 दोस्तों का लॉस और एक जॉब जो कि पटेल की वजह से देना पड़ा, किनको देना पड़ा, 3 दोस्तों को लॉस हुआ और जॉब भी गई, ठीक है, जॉब किसकी गई, पटेल की, और लॉस किसको हुआ, 3 दोस्तों को, क्योंकि वो भी कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे पटेल की वजह से, पटेल की वजह से नहीं, पटेल की गर्म दिमाग की वजह से, जो कि मतलब जो अगर यहाँ पे बोले कि वो गुस्सैल आदमी था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या आया है, यहाँ पे वर की जगह जो है ना आपका, गलती बताऊँ कहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 3 में आएगा, ठीक है, वर की जगह वॉज आ जाएगा, हालांकि यहाँ पे 3 चीजें हैं, फ्रेंड्स आया है तो लगेगा कि यहाँ पे वर आएगा, ठीक है, लेकिन यही गलत है, बिकॉज यहाँ पे इसे ना पूरे वर्ड को
एज अ सिंगुलर लिया गया है, ठीक है। लॉस ऑफ थ्री फ्रेंड्स, वो पहली बता देगी भाई तीन दोस्तों का लॉस हो चुका है, एंड और लगा दिया तभी और लगाया, अ जॉब वॉज द प्राइज, ठीक है। जो नुकसान था तीन दोस्तों का और साथ ही में जो जॉब थी पटेल की, वो भी इस चीज की प्राइस थी, किस चीज की, उसके गर्म दिमाग की। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वर की जगह क्या आ जाएगा, बस वॉज आ जाएगा, और बाकी सब एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 35, व्हेन द रडर ब्रोक ऑफ फ्रॉम द बोट, ठीक है, ब्रोक ऑफ फ्रॉम द बोट, एक मिनट रुकिए, हाँ चाहिए, चलिए। द सेलर जंप्ड इनटू द बे एंड स्वम टू द, देखिए स्वैम, ये स्वैम लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो है आपका एक तरह से बताऊं तो स्विम का ही पार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे जो है ना गलती है, यहाँ पे अपने आप पता चल गया, बिकॉज यहाँ पे स्विम आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, स्विम आएगा, क्योंकि जो भी हुआ ना उसी टाइम हुआ था, जो बोट था उसका रडर टूट गया, सेलर कूद गया, किसमें कूदा, पानी में, बे में, खाड़ी में कूदा, और जो है किनारे पे, शोर का मतलब होता है किनारा, वो चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो, यहाँ पे स्वयं है वो गलत आएगा, एंड स्वयं टू सोर, क्योंकि यहाँ पे स्वयं नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, स्विम आएगा। ओके स्विम आएगा, क्योंकि और साथ ही में जो स्विम के साथ जो है टू भी गलत है, स्विम टूवर्ड्स आएगा, टूवर्ड्स, क्योंकि वो उसकी तरफ गया है ना, की ओर गया, किनारे की ओर गया, टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर जाना, ठीक है। स्विम टूवर्ड्स टू दी, स्विम टूवर्ड्स दी शोर, एकदम करेक्ट सेंटेंस बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके, ज्यादातर ये होते हैं, मतलब मेन यही आते हैं, वो रेयर होते हैं जो मैंने पीछे कराया अभी। ही इज मोर एफिशिएंट देन मी इन रनिंग द हाउस एंड टेकिंग केयर ऑफ द गार्डन, वो मुझसे ज्यादा जो है एफिशिएंट है, एफिशिएंट का मतलब होता है अच्छी है, ठीक है, मुझसे ज्यादा अच्छे से काम करती है और गार्डन का भी जो है काम संभाल लेती है, मुझसे अच्छे से ज्यादा उसे जो है सब कुछ आता है। ओके चलिए इसका बनाते हैं। ओके नो सून, क्या बोलते हैं, शी इज मोर एफिशिएंट देन मी रनिंग द हाउस, इन रनिंग द हाउस एंड टेकिंग केयर ऑफ द क्या, गार्डन। ओके तो इसका, इसमें जो गलती है वो आ जाएगी ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए में क्यों गलती आएगी, शी इज मोर जो है एफिशिएंट देन मी है, इधर क्यों एरर आ रहा है, बिकॉज जो मी है, मी है ना, ये गलत लगा है इधर, ठीक है। मे जो ये मी है, ये आई से रिप्लेस होगा, आई से क्यों रिप्लेस होगा, क्योंकि जो देन है, देन के बाद प्रोनाउन इस्तेमाल होता है, अगर प्रोनाउन इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो जो देन के बाद, हमेशा ना याद रखना कि एक तरह से जो अगर हम प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमेशा आई आएगा, सी इज मोर एफिशिएंट देन आई, ठीक है। मी भी सही है, नहीं मी सही नहीं है, सॉरी मी सही नहीं है, आई सही है, आई का मतलब होता है मैं, मी का मतलब भी मैं होता है, लेकिन यहाँ पे जो एकदम सही आएगा वो यहाँ पे एकदम करेक्ट आएगा। मतलब जैसे अगर मान लीजिए, मैं आपको ये एक आसान भाषा में समझाना चाहता हूँ, वही सोच रहा हूँ थोड़ा सा, ये मान लीजिए ना कि मतलब अभी अभी मैं आपको अगर समझाऊंगा तो आप समझ नहीं पाओगे, बिकॉज ये नॉमिनेटिव जो है केस है ना, क्योंकि इसे हम नॉमिनेट कराए, क्योंकि किसी को अपने से ऊपर दिखाया है, तो यहाँ पे ऐसा केस आएगा, आई लगाएंगे, तो ये बस ये बात याद रखना कि जो देन है, चीज अगर ऐसा कोई जो है आ जाए, आई लगा देना बस, ठीक है, बस ये चीज आप याद रखना, एकदम सही होगा, गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 37, इन दी फॉलोइंग सेंटेंस फोर वर्ड्स आर गिवन, मिस स्पेल्ड ढूंढना है, ठीक है, मिस स्पेल्ड जो है आपको ढूंढना है, मिस स्पेल्ड का मतलब होता है, मिसपेल का मतलब सबको पता है ना क्या होता है, जो मतलब करेक्ट वर्ड नहीं है उसको क्या करना है, हमें ढूंढना है। चलिए इसका पता करते हैं आप। ओके चलिए इसको शुरू करते हैं, अब है लगाते हैं इसमें, तो इसमें गलत जो है ना वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी शॉर्ट, अभी बताता हूँ क्यों गलत है और क्यों नहीं गलत है ना, तभी तो आपकी जो है वो कैब एकदम ठीक होगी, तभी क्या है जो आपकी वो कैब है एकदम ठीक होगी। अब ये क्यों सही है और क्यों गलत है, चलिए पहले मतलब जानते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, पहले मतलब जानते हैं। शॉर्ट जो है ना आपका, एक तरह से ये मानिए
सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा सा मतलब अटकने लगा था, क्योंकि मैं खुद सोच रहा था मैंने क्या गलती करी है। ठीक है, मैं खुद सोच रहा था मैंने क्या गलती करी है, उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ, है ना। ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी है जो सही नहीं है। ठीक है, रेफरेंसेज, रेफरेंसेज की स्पेलिंग एकदम गलत है, बिकॉज शॉर्ट जो होता है ना, सीक का मतलब जानते हैं ना, उसका होता है पास्ट फॉर्म। ठीक है, पास्ट फॉर्म होता है सीक का। ये जो सीक मतलब होता है, इनका मतलब जानते हैं अटेम्प्ट करना या फिर डिजायर, यानी चाहना किसी चीज़ के बारे में जानना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिजायर। ठीक है, ऐसा भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं, डिजायर करना, ये इसका मतलब है। इंडिकेशन का मतलब क्या होता है? इंडिकेशन का मतलब होता है एक साइन देना, किसी की कुछ बताने के लिए साइन देना। ठीक है, इंडिकेट करने के लिए साइन देना, इंडिकेट करने के लिए। ठीक है, हम कहते हैं ना कि हम ऐसे मतलब इशारों में बोलते हैं कि हाँ भाई उधर देख उधर देख, ऐसे इशारों में आप लोग भी बात करते होंगे जो दोस्त मित्र होंगे आपस में। ओके, अब जो रेफरेंसेस है इसकी स्पेलिंग जो होती है, ऑप्शन नंबर टू है ना, रेफरेंसेस की स्पेलिंग होती है REFE, REN, ओके, CE, एज, बस एक एज आगे से हटा दीजिए और आपका काम जो है हो जाएगा। रेफरेंसेस का मतलब होता है किसी को एग्जांपल देना। ठीक है, किसी को एक तरह से सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन देना। ठीक है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन देना, जैसे कि आप हमसे पूछते हैं कि कौन सी बुक ठीक रहेगी, तो हम आपको रेफर ही तो करते हैं ना कि हाँ जो है परीक्षा ऐप से जो मतलब टेस्ट लगाइए, हम आपको क्या दे रहे हैं, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, चाक्षु बुक जो है उससे मतलब आप प्रैक्टिस करिए, और आपकी और भी सारी इंग्लिश की बुक हैं, मैं बताता हूँ ना कभी कभी, तो उसको कहते हैं रेफरेंस देना, मतलब रेफर करना, मतलब सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन देना। और फोर्थ यानी एल्यूजन्स का मतलब जो होता है, एल्यूजन्स का मतलब होता है एक एक्सप्रेशन देना, एक एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन की तरह मान लीजिए कि हाँ भाई किसी को बिना पता चले, इंडिकेशन और एक्सप्रेशन ना एक तरीके से सेम ही है। ठीक है, किसी को बिना पता चले इशारा कर दे और उसको भनक भी ना हो। ठीक है, चलिए इसका मतलब जानते हैं क्या होगा। इसमें मिसस्पेल्ड वर्ड जो है ढूंढना है, यानी जो है इसमें आपका हो जाएगा क्यों सही है सीन, इन्वेस्टिगेशन में देखते हैं दिक्कत क्या है, ESTIGE, ये भी ठीक है, कंपैरिजन, सीज्ड, सीज्ड जो है ये गलत है। ठीक है, सीज्ड की स्पेलिंग ये नहीं होती है, मैं बताता हूँ सीज्ड की स्पेलिंग क्या होती है। सीस्ट की स्पेलिंग बस बताऊं दिक्कत क्या कर दिया, बहुत लोगों को नहीं पहचान में आएगा। सीस्ट की स्पेलिंग होती है ये, IE नहीं होता, EI होता है। इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज का पोजेशन लेना, पोजेशन मतलब लेना मतलब अपने जो है एक तरह से अपने अंडर ले लेना। ठीक है, अपने अंडर, उसकी अथॉरिटी, अथॉरिटी को अपने अंडर लेना, यहाँ पे लिख देता हूँ अथॉरिटी अंडर। ठीक है, अथॉरिटी को अंडर मतलब अपने कमांड में ले लेना या फिर पोसेशन करना। ओके, अक्यूज का मतलब क्या होता है, किसी पे लालचन लगाना, किसी पे लालचन लगाना, यानी हम अगर चार्ज विथ अ क्राइम भी लिख सकते हैं, चार्ज विथ अ क्राइम, अक्यूज करना। ठीक है, चार्ज विथ अ क्राइम, अभी झूठ भी हो सकता है, सच भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता क्या हो सकता है। ठीक है, सीन, सीन का मतलब क्या होता है, एक तरह से ये मान लीजिए जहाँ पे कुछ भी एक्सीडेंट या इंसिडेंट, इंसिडेंट लिख देता हूँ यहाँ पे, ऑप्शन नंबर टू डाल के इंसिडेंट लिख देता हूँ, है ना, इंसिडेंट। सीन का मतलब क्या होता है, इंसिडेंट भी लिख सकते हैं। और ऑप्शन नंबर थर्ड यानी इन्वेस्टिगेशन, मतलब सबको पता है खोजबीन करना। ठीक है, क्या करना, खोजबीन करना, यहाँ पे खोजबीन लिख देता हूँ, है ना, खोजबीन करना। अगर अगर इंग्लिश में लिखूँ तो एक तरह से फॉर्मल इंक्वायरी करना, हाँ अब याद आया मुझे ढंग से, फॉर्मल इंक्वायरी करना, क्या करना, इंक्वायरी, फॉर्मल इंक्वायरी करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर थ्री, ऑप्शन नंबर चार का मतलब सबको पता है तोल मोल करना, ऑप्शन नंबर चार का मतलब सबको पता है ना, तोल मोल करना, सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी निकालना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी हमें इनकरेक्ट वर्ड ढूंढना है, प्लेयर ऑन सेट, प्रोडक्शन, टेक्सटाइल्स मार्केट, सब सही है, इसमें गलती बताऊँ कहाँ पे है, ऑन सेट में दिक्कत है, ऑप्शन नंबर टू में दिक्कत है, ऑन सेट। ठीक है, ऑन सेट की स्पेलिंग ये नहीं होती है, पहले चलिए जानते हैं सबके बारे में, ऑप्शन नंबर वन यानी प्लेयर के बारे में जानते हैं, सबको पता है खिलाड़ी। ठीक है, सबको पता है खिलाड़ी, तो मैं इसके बारे में बताऊंगा नहीं, डायरेक्ट टू पे चलते हैं, ऑनसेट, ऑनसेट के, ऑनसेट जो है ऐसा कोई शब्द नहीं है, बस वहां से टी हटा दीजिए, बहुत आसान है, ऑनसेट लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऑनसेट का मतलब जो क्या होता है, किसी चीज को शुरुआत करना, बिगिनिंग, बिगिनिंग लिख देते हैं यहाँ पे ना, किसी चीज को शुरुआत करना, टू स्टार्ट समथिंग, बिगिनिंग या फिर स्टार्ट। ठीक है, और भी बाकी मैंने स्टार्ट से रिलेटेड जो पढ़ाए हैं वो भी आप पढ़ के जा सकते हो। ऑप्शन नंबर थ्री के बारे में, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट्स मतलब प्रोडक्शन मतलब होता है कि मतलब किसी चीज को बनाना,
ठीक है, मेक लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, सबको पता है ना प्रोडक्शन, मेक, ग्रोइंग या फिर कुछ भी। टेक्सटाइल्स मतलब तो आपको सबको पता है कपड़े होते हैं। ठीक है, एक होती है इंडस्ट्री जो कि क्लोथ से रिलेटेड होती है। ऑप्शन नंबर 4 में डाल देता हूँ, क्लोथ रिलेटेड है ये। क्या है? टेक्सटाइल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, मार्केट। मार्केट का मतलब क्या बताऊँ अब आपको, शॉप ले लो और इससे ज़्यादा तो कुछ, वेजिटेबल मार्केट हो गई और इतनी सारी जो मार्केट होती हैं जहाँ पे हम खरीद और बेच सकते हैं ना, वो उसको कहते हैं मार्केट। क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है, यहाँ पे भी हमें इनकरेक्ट वर्ड ढूंढना है। यहाँ पे जो इनकरेक्ट वर्ड है वो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एक्वेशंस। अब जो इसका स्पेलिंग होता है, हम पहले सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबके बारे में जानते हैं। टूवर्ड्स, टूवर्ड्स का मतलब क्या होता है? किसी की ओर जाना, इन दी डायरेक्शन ऑफ। अभी मैंने आपको पीछे बताया ना, इन दी डायरेक्शन ऑफ, किसी की ओर जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, स्ट्रेटेजिक। स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है प्लान करना। ठीक है, प्लान करना। ऑप्शन नंबर 3, सिस्टम। सिस्टम का क्या मतलब होता है? किसी एक तरह से मैकेनिज्म, मान लीजिए किसी चीज को अच्छे से अपने मतलब काम करना है ना, मैकेनिज्म। ऑप्शन नंबर 4 यानी एक्वेशन से ऐसा कोई वर्ड नहीं है। ठीक है, बस इसमें स्पेलिंग की क्या गलती है ना, मैं आपको यहाँ पे लिखवा के दिखाता हूँ। ए सी क्यू यू आई ई, ठीक है, और क्या होता है इसके बाद, आई ई सी सॉरी एस। अच्छा, बस यहाँ पे एक गलती थी, सी की जगह जो है एस लगाता, तो इतनी छोटी छोटी गलती देते हैं, यहाँ पे एस की जगह सी लगा देंगे तो हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है आपका, जो मतलब ऑप्शन नंबर 4 है, एक्वेशंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब मैं आपको कैसे बताऊँ, एक तरह से मान लीजिए किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना कि हाँ भाई ये मेरी गलती है, मुझसे हुआ है। डिसअप्रूवल मतलब किसी चीज़ को रिजेक्ट करना है ना, किसी चीज़ को क्या करना, डिसअप्रूव करना या फिर रिजेक्ट करना भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 वर्ड्स, यहाँ पे भी आपको जो है करेक्ट स्पेलिंग ढूंढनी है। ओके, तो यहाँ पे जो करेक्ट स्पेलिंग है वो क्या है, चलिए यहाँ पे तो हम देखते हैं, क्योंकि ग्रेजुएट में ये नहीं आता। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट में, अंडर ग्रेजुएट का मतलब होता है जिसने अभी ग्रेजुएशन नहीं करी है। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट का मतलब क्या होता है, जिसने अभी ग्रेजुएशन नहीं करी है। अंडर ग्रेजुएट की स्पेलिंग बस जे हटा दीजिए, UAT मतलब पूरा सही है, बस जे हटा दीजिए। ठीक है, और आपका यूनिवर्सिटीज जहाँ पे ग्रेजुएशन करते हैं, कॉशन मतलब केयरफुल, यहाँ पे लिख देता हूँ कॉशन मतलब केयरफुल। ठीक है, केयरफुल, केयरफुल ये लिखा हुआ। रिगार्ड, रिगार्ड मतलब क्या होता है, किसी की तरफ से कंसिडर करना। ठीक है, किसी की तरफ से या फिर कंसिडर करना भी हम कह सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ कमिटेड। अब देखिए यहाँ पे जो है ना, हमें एकदम अप्रोप्रिएट वर्ड लगाना है, लेकिन इसके लिए आपको जो है मतलब पता होना चाहिए। आपको क्या होना चाहिए, हर चीज का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए जानना शुरू करते हैं। ऑप्शन नंबर 1, एफिएबल। एफिएबल का मतलब क्या होता है, पहले मतलब जानते हैं इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, कि किसी मंदिर में जा हम किसी डैश को, डैश के ऊपर ये भरोसा नहीं कर सकते कि हाँ वो मंदिर आएगा। तो जो आपका मंदिर कौन नहीं जाता, पूजा पाठ करने कौन नहीं जाता, जो शैतान होता है, क्या होता है, शैतान होता है। जो पूजा पाठ करने कौन नहीं जाता, जो शैतान होता है, तो उसे हम बोलते हैं एथिस्ट। क्या बोलते हैं, एथिस्ट। और बस यहाँ पे ए हटा देंगे, थीस्ट लगा देंगे, तो ये हम बोलते हैं किसको, जो पूजा पाठ मतलब जो भगवान पे विश्वास रखता है। ठीक है, तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज मैं हर चीज़ यहाँ पे नहीं लिखवा सकता ना, लिखने में बहुत दिक्कत होती है और आज कुछ ज़्यादा ही हो रही है क्योंकि मेरे हाथ में लगी हुई है। एफेबल मतलब होते हैं इजी, किसी से आराम से बात करना, इजी टू टॉक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यानी एथिस्ट का मतलब सबको बता दिया, जो बिलीव करते हैं, डिसबिलीव, डिसबिलीव इन मतलब जो भगवान पे भरोसा नहीं करते, डिसबिलीव इन गॉड्स। ठीक है, एथिस्ट का मतलब ये होता है। थेस्ट का मतलब क्या होता है, मतलब ए हटा दो, लगा दो ए हटा के, जो आपका थेस्ट है उसका मतलब होता है बिलीफ इन गॉड। एमिकेबल का मतलब क्या होता है, एमिकेबल का मतलब होता है आपका एक तरह से मान लिए लड़ाई की जड़ को खत्म करना है, एब्सेंस ऑफ डिस्कॉर्ड। ठीक है, एब्सेंस ऑफ, एक होता है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यानी लड़ाई की जड़, और ये होता है किसी को लड़ाई को खत्म करना यानी एब्सेंस ऑफ डिस्कॉर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इसका मतलब एक और चीज़ लिख देता हूँ यहाँ पे, एमिकेबल का मतलब फ्रेंडली भी लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना, फ्रेंडली। क्वेश्चन नंबर 4, तो सॉरी ऑप्शन नंबर 4 क्या है, एमिएबल। एमिएबल क्या होता है,
एमिएबल जो है ना वो एमिकेबल का सिनोनिम है, ठीक है, क्या है, सिनोनिम है, यानी सिमिलर है, तो आप मतलब समझिए क्या होगा। और पांचवे ऑप्शन का क्या होता है, पांचवे ऑप्शन का होता है किसी चीज में इंटरेस्ट ना दिखाना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं डिस इंटरेस्ट, किसी चीज में जो है इंटरेस्ट ना दिखाना, इंटरेस्टेड नहीं है वो बंदा, नॉट इंटरेस्टेड इन इट। क्वेश्चन नंबर 23, क्या लिखा है इधर, यहाँ पे अभी हमें फिल इन द ब्लैंक भरना है। डेवलपमेंट ऑफ लेजर साइंस मेड पॉसिबल द स्टडी ऑफ लाइट एस डैश बाय, जो लेजर साइंस की जो स्टडी है उसको हमें पॉसिबल मिल गई, हमें पढ़ने में अब आसानी होती है, किस वजह से होती है, गवर्न बाय, ठीक है, गवर्न बाय क्वांटम थ्योरी। गवर्न का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कंट्रोल करना, इन्फ्लुएंस करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 का मतलब मैं पहले ही बता देता हूँ, गवर्न का मतलब सरकार नहीं होता, ठीक है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को इन्फ्लुएंस करना, ठीक है, इन्फ्लुएंस करना, जैसे कि आपने आजकल देखे होंगे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर चल रहे हैं इधर उधर, है ना, इन्फ्लुएंसर भी बहुत सारे चल रहे हैं जो मतलब अभी कच्चा बादाम और ये ठुमकेबाजी कर रहे हैं, तो ये दूसरा इन्फ्लुएंसर है और ये दूसरा इन्फ्लुएंसर है, इन्फ्लुएंसर का ये पढ़ाई से रिलेटेड है तो इसलिए अच्छा इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, तो सबका अपना अपना स्टडी होता है, ओके। और आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस का मतलब होता है स्किलफुल, किसी को हाँ उस लाइन में उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी है। ऑप्शन नंबर 2 अनइंटेंडेड, मतलब उसका कोई मन नहीं था, नॉट इंटेंशनल, उसका कोई मन नहीं था, गलती से हुआ, ठीक है, गलती से भी लिख सकते हैं, या फिर बाय मिस्टेक, बाय मिस्टेक, उसका कोई मन नहीं था, ठीक है, बिकॉज अगर अन हटा दोगे तो यहाँ पे इंटेंडेड आएगा, इंटेंडेड आएगा तो आपको कुछ याद आ रहा होगा इंटेंशनल, हाँ भाई इसका तो मन था ये करने का, इसने जानबूझ के करा ये। चलो तीसरा तो मैंने समझा दिया, चौथा समझाता हूँ, शेड्यूल्ड यानी प्लान, किसी चीज़ को हम कहते हैं ना कि हाँ भाई हमारा शेड्यूल है, टाइम टेबल है, प्लान है, हमें उसके अकॉर्डिंग चलना है। और ऑप्शन नंबर 5 क्या है, मिनिमाइज यानी किसी को, सॉरी मिनिमाइज लिखा है मैंने इधर, हाँ मैंने इधर मिनिमाइज लिखा है, वैसे तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, किसी चीज़ को छोटा करना, ठीक है, किसी चीज़ को छोटा करना, और इसी का उल्टा होता है मैक्सिमाइज, है ना, कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, मैक्सिमाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को बड़ा करना यानी बिगर, ठीक है, स्मॉलर बिगर, ओके। चलिए आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 44 क्लियर, यहाँ पे क्या, द रिसेंट रेन्स दैट फिल आवर एम्प्टी रिजर्वर्स वर क्या, यहाँ पे चलिए मतलब समझते, बोन का मतलब तो हड्डी होता है, बोर्न का मतलब जन्मना होता है, बोर्न ए जो है ना ये बोर्न लिखा हुआ है, ये इसका मतलब होता है फीचर, ठीक है, यहाँ पे लिखवा देता हूँ मैं, ऑप्शन नंबर 4 का मतलब होता है एज अ फीचर, ठीक है, एज एज अ फीचर, इस स्टेटमेंट में क्या कह रहा है ना कि जो अभी हाल ही में बारिश हुई है वो एक कम्युनिटी के लिए, पूरी सदस्यता के लिए, पूरी एक तरह से उसने जो है हमारे जो खाली टंकियाँ थी उनको भर दिया, जो रिजर्व थे हमने बना रखे थे उनको भर दिया, तो इससे क्या मिला है, बून मिली है, बून मतलब क्या होता है, राहत मिली है, ठीक है, क्या मिला है, राहत मिली है, या फिर डिजायरेबल स्टेट भी डाल सकते हैं, डिजायरेबल स्टेट यानी राहत मिली है, स्टेट राहत मिली है, ठीक है। बोन का मतलब मैंने आपको बताया क्या होता है, फीचर, किसी के बारे में जो फीचर बताते हैं। और ऑप्शन नंबर 5 यानी वॉर्न, वॉर्न का मतलब क्या होता है, इफेक्ट्स होते हैं ओवरवर्क करने के, अगर ज्यादा काम कर लो तो जो उसकी इफेक्ट्स होते हैं ना उसको कहते हैं इफेक्ट्स ऑफ ओवर ओवर सॉरी ओवर वर्क, या फिर ये मान लो कि वॉर्न जिसे कहा जाता है। आज की जो है थोड़ी वीडियो रिकॉर्ड करने में ना दिक्कत हो रही है, और वीडियो लंबी भी हो सकती है, बिकॉज मैंने आपको बताया भी मेरे हाथ में लगी है तो लिखने में दिक्कत हो रही है, इसलिए आपका थोड़ा सा ना स्लो जा रहा है सिस्टम, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर भी पढ़ेंगे, पढ़ना तो है ही, है ना, पढ़ने से थोड़ी पीछे छूट सकता है। अब यहाँ पे भी फिल इन द ब्लैंक, लास्ट ईयर द कंपनी लुक्ड, लास्ट ईयर द कंपनी लुक्ड, कंपनी ने क्या देखा कि डैश देखा, बट इन रिसेंट वीक्स इट हैज बिगन टू हैव प्रॉब्लम्स, तो इसका मतलब बताऊं यहाँ पे क्या आएगा। वैसे सही वर्ड मेरे हिसाब से तो इनविंसिबल है, क्योंकि जो पहले था कंपनी इनविंसिबल थी, यानी उसको कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हाल ही में अब क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि इनविंसिबल आएगा, लेकिन हम फिर भी मतलब जानते हैं। ऑप्शन नंबर 1 का मतलब इनकॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब क्या होता है, ये एक एडजेक्टिव है, किसी चीज़ को मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है, किसी चीज़ को जो है एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ओके। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आपको इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज मतलब ये सारी चीज़ें ही ज़्यादातर पूछी जाती हैं,
ये सारी चीज़ें ज़्यादातर पूछी जाती है, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कैन नॉट बी एक्सप्लेन। हाँ यहाँ पे ये लिख सकता हूँ मैं, कैन नॉट बी एक्सप्लेन, ये लिखवा सकता हूँ मैं, कैन नॉट बी एक्सप्लेन। किसी चीज़ को हम समझा नहीं सकते उसको कहते हैं कैन नॉट बी एक्सप्लेन। ऑप्शन नंबर टू, ऑप्शन नंबर टू का मतलब होता है अनडिफिटेबल, ठीक है। इनविंसिबल का मतलब, इनविंसिबल का मतलब क्या होता है, अनडिफिटेबल, जिसको हम पछाड़ नहीं सकते, अनडिफिटेबल, ओके, इनविंसिबल का मतलब ये होता है। ऑप्शन नंबर तीन, इनकॉरिजेबल का मतलब क्या होता है, हम किसी चीज़ को करेक्ट करें बाय पनिशमेंट, जब हमें पनिशमेंट मिले तभी हम उस चीज़ को करेक्ट करें, जैसे कि हमें स्कूल में मिलती थी है ना, मुर्गा बनाया जाता था मस्त, फिर वो टीचर लोग जो है हमारा हम मतलब हम जो अंडा देते थे वो खाते थे मज़े से है ना, फिर हमें पनिशमेंट मिलती थी, फिर हमें याद आता था कि अरे भाई साहब हमें तो ये चीज़ सही करनी थी। आजकल तो सब ऑनलाइन हो गया तो किसी को पनिशमेंट ही नहीं मिलती। अब तो मैं ये भी देख रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं आजकल फ़ोन से रील्स बना रहे हैं स्कूल में जा जा के। मैंने कहा बहुत बढ़िया, पढ़ाई तो उनकी हो रही है ना, हमारे टाइम पे तो बस ऐसे ही मौज मस्ती करते थे हम कहाँ पढ़ते थे। मेकिंग अ स्ट्रांग और विविड इम्प्रेशन, ठीक है। इम्प्रेसिव का मतलब क्या होता है, मेकिंग अ स्ट्रांग स्ट्रांग इम्प्रेशन बनाना, ठीक है। स्ट्रांग इम्प्रेशन बनाने को क्या कहते हैं, इम्प्रेशन बनाने को कहते हैं इम्प्रेसिव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फाइव, इम्पॉसिबल सबको मालूम है, नॉट केपेबल ऑफ अकरिंग, या फिर किसी चीज़ का मतलब कंप्लीट नहीं कर सकते उसको कहते हैं इम्पॉसिबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर क्या 46, टू प्रिवेंट वायलेंस इट इज डैश दैट ग्लोबल गवर्नेंस बिकम जनरली डेमोक्रेटिक। वायलेंस को हटाने के लिए जरूरी है, एसेंशियल है, ठीक है। एसेंशियल का मतलब क्या होता है, जरूरी है, ओके। एसेंशियल का मतलब क्या होता है, जरूरी है। मैं आंसर आपको इसलिए बता दे रहा हूँ फट से कि आपको थोड़ा सा दिक्कत ना हो और इन सब के मतलब मैं आपको जल्दी जल्दी जो है बता पाऊँ, ठीक है, क्या कर पाऊँ बता पाऊँ। तो एसेंशियल का मतलब जो होता है, एब्सोल्युटली नेसेसरी, ठीक है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ नेसेसरी लिखवा देता हूँ, एब्सोल्युटली नेसेसरी या फिर नेसेसरी एक ही बात है, ठीक है। क्रेडेंशियल का मतलब क्या होता है, क्रेडेंशियल का मतलब पता है किसी को क्या होता है, क्रेडेंशियल का मतलब होता है कोई अचीवमेंट, कोई क्या अचीवमेंट, ठीक है। बहुत जगह आपने, और यहाँ से जो है ना स्पेलिंग याद कर लेना, जो यहाँ से है स्पेलिंग याद कर लेना, क्या कौन सी स्पेलिंग सही है कौन सी गलत है। प्रोडेंशियल का मतलब क्या होता है, प्रोडेंशियल का मतलब होता है शोइंग केयर, ठीक है, किसी को किसी के लिए जो है केयर करना, किसी के लिए जो है केयर करना प्रोडेंशियल। और एविडेंशियल का मतलब क्या होता है, एविडेंस प्रोवाइड करना, ठीक है, एविडेंस प्रोवाइड करना, इसको क्या कहते हैं, एविडेंशियल प्रोवाइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर पाँच का क्या होता है, सिक्वेंशियल, सिक्वेंशियल का मतलब क्या होता है, ऑर्डर में, लॉजिकल ऑर्डर में या फिर सीक्वेंस में, इसको कहते हैं सिक्वेंशियल, लॉजिकल ऑर्डर में, जैसे छोटे से बड़ा या फिर बड़े से छोटा ऐसे करते हैं ना वैसे ही। ऑप्शन नंबर इसमें एरर बताना है, 47 क्वेश्चन, आई वॉज फ्लैवर गेस्टेड एट द रिजल्ट ऑफ द क्विज कॉम्पिटिशन एज राधिका इज मोर इंटेलिजेंट एंड वाइज देन रिया। फ्लैवर गेस्टेड का मतलब क्या होता है, चौकते एक तरह से हैरान हो जाना, ठीक है। फ्लेवर गैस्टेड का मतलब क्या होता है, हैरान हो जाना, ओके। तो यहाँ पे जो गलती है वो आपकी आएगी ऐसा कि आपकी गलती डी में है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मोर भी लिखा है, इंटेलिजेंट भी लिखा है एंड वाइज वाइज लिखा है, यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर हम कंपैरिजन, मैंने आपको क्या समझाया था, कंपैरेटिव डिग्री में अर आता है, वाइजर, वाइजर देन रिया आएगा, तो यहाँ पे डी में गलती है, अभी पता चल गया कहाँ गलती है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, बस वाइजर हो जाएगा, बस यही यही चेंज होगा और कुछ चेंज नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, ठीक है। नो सूनर द ट्रेन रीच द स्टेशन देन द पैसेंजर्स बिगेन टू ऑक्यूपाई देयर सीट्स। तो इसमें गलती क्या है, ऑप्शन नंबर ए में गलती है, बिकॉज आपको पता है मैंने एक ऐसा ही क्वेश्चन करवाया था जहां पे मैंने वैन की जगह जो है देन लगाया था, ठीक है, वैन की जगह जो है देन लगाया था, लेकिन जो है आपने मतलब अगर एक तरह से देखे जाए
तो मैंने आपको बताया था है ना, मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे क्या गलती थी, लेकिन आप लोगों ने मेरे ख्याल से स्टेटमेंट ढंग से नहीं सुना होगा, तो यहाँ पे आपको गलती भी समझ में आएगी। नो सूनर के बाद जो है हैड आएगा, ठीक है। नो सूनर हैड द ट्रेन रीच द स्टेशन देन द पैसेंजर बिगेन टू ऑक्यूपाई देयर सीट्स। मैंने ये आपको नो सूनर वाला, देखो नो सूनर के साथ देन का प्रयोग तो हुआ है, तो ये एकदम फॉलो करेगा, ठीक है। वो मेरे ख्याल से कोरोना वायरस वाला था ना, जहाँ पे हम जो है वो लोग ग्रोसरी खरीदने चले जाते हैं, पेंडेमिक करते हैं, ऐसे कुछ है ना, ये था। तो मेरे को याद है वो क्वेश्चन, मैंने आपको बताया वाला क्वेश्चन, आपको पीडीएफ में से देख लेना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वन ऑफ द की ग्रोथ ड्राइवर्स फॉर कैश फ्री आर इट्स बल्क डिसबर्सल सॉल्यूशन पेआउट्स दैट वर लॉन्च इन 2016। अब मैं इसको, अगर इसको हम इसमें देखें गलती कहाँ में थे है, तो अगर हम इसकी हिंदी करते हैं पहले, अगर हम इसकी हिंदी करते हैं तो लिखा है कि जो की ग्रोथ है यानी जो मेन पॉइंट है ड्राइवर्स का कैश फ्री करने के लिए, और जो पेआउट्स का सॉल्यूशन है उसको थोड़ा सा मतलब इजी करने के लिए, वो 2016 में जो है लॉन्च हुए थे। तो यहाँ पे गलती बताऊँ कहाँ पे, बी ऑप्शन में गलती है। बी ऑप्शन में क्या गलती है अभी मैं बताता हूँ, है ना। बी ऑप्शन में क्या गलती है, बिकॉज यहाँ पे लग रहा है कि हाँ प्लूरल आएगा बिकॉज यहाँ पे ऐसे, लेकिन जो है ना ये सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे इज आएगा। क्या आएगा, इज आएगा, फॉर कैश फ्री इज इट्स बल्क डिसबर्सर, ठीक है ना। आर की जगह क्या इस्तेमाल होगा, इज इस्तेमाल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। अभी थोड़ा सा आपको ये अटपटा लग रहा होगा, कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन जब हम बाद में पढ़ेंगे ना, अभी तो आपको मतलब मैं चाह के भी नहीं पढ़ा सकता, एक्टिव पैसिव वॉइस या फिर एरर ढूंढना ये सब ढूंढना जब, लेकिन आपको पेपर एयरफोर्स का खत्म होने के बाद पेपर जो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए पढ़ाएंगे उसमें आपको एकदम जो है बेसिक से पढ़ाएंगे, तो वो आपको हर पेपर में काम आएगा, चाहे SSC हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। इसमें ढूंढते हैं, सीनरीज ऑफ साउथ आइलैंड इज ऑन अ ग्रैंड स्केल। तो यहाँ पे तो बहुत आसान है ना, यहाँ पे तो बहुत आसान है, बिकॉज सीनरीज जैसा कोई, ऐसा कोई शब्द नहीं होता, ठीक है, ऐसा कोई जो है शब्द नहीं होता। सीनरी एक ऑलरेडी अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे कि आपका जो लगेज होता है, कहाँ गया आपका जो लगेज होता है, अगर इसके आगे ES आपको कहीं लगा हुआ दिखे ना तो उसको गलत कर देना, बिकॉज लगेजेस ऐसा कोई शब्द नहीं होता। लगेज, लगेज खुद एक प्लूरल है और खुद एक सिंगुलर है। तो यहाँ पे जो सीनरी की स्पेलिंग भी बता देता हूँ मैं, क्या होता है सीन री, यही है इसकी करेक्ट स्पेलिंग, और यही आएगा इधर, और कुछ नहीं आएगा। सीनरीज, ज्वेलरीज, ये सब कुछ नहीं होता। ज्वेलरी होता है, सीनरी होता है, ये सब नॉन काउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको करते हैं सॉल्व, ओके, इसको करते हैं सॉल्व अब। चलिए इसमें ABCD वाला आ गया ना, अब ABCD वाला भी पढ़ के निकाल देते हैं थोड़ा सा, फटाफट फटाफट करते हैं हम, क्योंकि आपका बहुत क्लास जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, चलिए करते हैं जैसा कि बताया था आपको, दो ऑप्शन काट दीजिए, ठीक है, क्या बताया था, दो ऑप्शन काट दीजिए और इसका आंसर जो है लिखिए। लिसनिंग स्किल्स अलाउ अस टू अंडरस्टैंड नॉट ओनली व्हाट आवर टीचर्स टीचर्स और व्हाट आवर पेरेंट्स PQR एज वेल, हाँ ये भी ये यही ऑप्शन सही है, PQRS एकदम सही ऑप्शन है, ठीक है, यही होगा। अब देखिए लिसनिंग स्किल्स क्या होती है, कि हम किसी की बात सुन सकें, इससे क्या होता है कि ये सिर्फ हमें समझने में हेल्प नहीं करती, हम हमारा इस चीज़ में भी हेल्प करते हैं, कि जैसे मान लिया हमारा लिसनिंग स्किल बहुत अच्छा है, जैसे कि हम किसी को बहुत अच्छे से सुन सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो इससे क्या होगा ना कि हम हर एक इंसान को अपने पेरेंट्स से लेके टीचर तक उनकी बातें जो है समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, तो हमें जो है ना दिक्कत नहीं होती आगे हमें क्वेश्चन करने में, बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना किसी का दिमाग कहीं और चल रहा होता है। LOCD8, LOCD8 का मतलब क्या होता है पहले ये जानना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जो है आंसर दे पाएंगे। तो LOCD8 का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को क्लियर करना, ठीक है, क्या करना, किसी चीज़ को क्लियर करना, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, क्लैरिफाई हो जाएगा। और ये क्वेश्चन मैं आपको शायद पहले ही करा चुका हूँ। रिलीज का मतलब छोड़ना, हाइड का मतलब छुपाना, और इम्प्लिकेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को दिखाना कि हाँ भाई वो देखो इन्वॉल्व इन्वॉल्व है इसमें। क्वेश्चन नंबर 53, फ्रूगल, फ्रूगल का मतलब क्या होता है, फ्रूगल का मतलब, फ्रूजल का मतलब होता है, फ्रूजल का मतलब होता है एक तरह से केयरफुल रहना, ठीक है, मनी सोर्स में केयरफुल रहना, ये होता है इसका मतलब, फ्रूजल का मतलब भी। तो फ्रूजल का जो एंटोनिम होगा है ना, अपोजिट पूछ रहा है ना,
और द मोस्ट अपोजिट मीनिंग इन द वर्ल्ड। तो जो है आपका इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक्स्ट्रावेजेंट। एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब क्या होता है, केयरलेस। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ केयरलेस। ओके, और आपका कॉपियस का मतलब, यानी ऑप्शन नंबर वन का मतलब जो होता है, कॉपियस का मतलब होता है सप्लाई जो है, सप्लाई में अबेंडेंट होना। अबेंडेंट का मतलब आप सबको एक बार का मैंने समझा रखा है, सप्लाई अबेंडेंट। यहाँ पे लिख देता हूँ ना, यहाँ पे जो है लिख देता हूँ। ऑप्शन नंबर टू जेनरस। जेनरस का मतलब होता है हेल्प करना, किसी की क्या करना, हेल्प करना, चाहे किसी भी फॉर्म में। ऑप्शन नंबर फोर का मतलब क्या होता है, यानी ऑस्टेंटेशियस, एक्सपेंसिव, महंगा, कोई चीज़ महंगी हो उसको कहते हैं हम ऑस्टेंटेशियस। ठीक है, या फिर कोई चीज़ नोटिसेबल हो जिसको हम नोटिस कर सकें। क्वेश्चन नंबर 54, यहाँ पे हमें करेक्ट जो है वर्ड ढूंढना है। तो यहाँ पे क्या होगा, आइडियल हीनियस। ठीक है, हीनियस, हीनियस देखिए, हीनियस की स्पेलिंग क्या होती है ना, जो है आपकी हीनियस की स्पेलिंग होती है HEINOUS। इसका मतलब होता है गंदा, डर्टी, डर्टी, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं डर्टी, या फिर एक तरह से अटरली ओडियस, या फिर विग्ड। हाँ, एक तरह से मतलब जो गंदी बदबू वाला हो, गंदा हो, ये सबको बोलते हैं हीनियस। ठीक है, आइडियल, आइडियल मतलब क्या होता है, आइडियल मतलब सबको पता है मुहावरा होता है। आइडियल मतलब क्या होता है, किसी चीज के मतलब सुटेबल, मोस्ट सुटेबल चीज को जो बोलते हैं आइडियल। ठीक है, मोस्ट सुटेबल चीज को बोलते हैं आइडियल। वो क्वेश्चन नंबर फोर को होता है हैरास। हैरास का मतलब होता है किसी चीज को परेशान करना। ठीक है, इसका मतलब जान लीजिए, बस परेशान करना। क्वेश्चन नंबर 55, अकिलीज हिल, इडियम्स है, इसका मतलब बताइए। अकिलीज हिल का मतलब होता है वीकनेस, या फिर वल्नरेबल पॉइंट। ठीक है, वल्नरेबल पॉइंट मतलब जहाँ पे हमारा वीकनेस हो, इसका मतलब ये होता है, बस इतना जान लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। वन हु नोज एवरीथिंग, तो उसको कहते हैं ओमनीसियंट। ठीक है, ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है जो हर जगह प्रेजेंट हो, जो हर जगह अवेलेबल हो या फिर प्रेजेंट हो। इनक्रेडिबल का मतलब होता है जो इनविंसिबल हो। ठीक है, इम्पॉसिबल, इनक्रेडिबल, जैसे कि अभी मैंने आपको पिछले में कुछ क्वेश्चन थे जहाँ पे इम्पॉसिबल आया था, तो आप लिख सकते हैं इनक्रेडिबल मतलब इम्पॉसिबल। ओमनी पोटेंट मतलब होता है जिसके पास अनलिमिटेड पावर हो, है ना। ओमनी पोटेंट, ओमनी पोटेंट का मतलब होता है अनलिमिटेड पावर। ठीक है, और जो हर जगह प्रेजेंट हो उसे कहते हैं प्रेजेंट एवरीवेयर, यानी ओमनी प्रेजेंट एवरी वेयर। और ओमनीसेंट का मतलब जिसको हर चीज़ की नॉलेज हो। ठीक है, अनलिमिटेड नॉलेज, अनलिमिटेड नॉलेज का मतलब होता है ओमनीसेंट। इन स्पाइट ऑफ बेस्ट एफर्ट्स द प्रिंसिपल कुड नॉट डैश हिज प्रेस्टीज। तो इधर क्या आएगा, इधर आएगा रिडीम आएगा। रिडीम का मतलब क्या होता है, रिकवर का मतलब सबको पता है क्या होता है। ठीक है, रिकवर का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रीवियस पोजिशन में लाना, या फिर कम बैक करना, टू कम बैक भी लिख सकते हैं, रिडीम करना। ठीक है, रेज का मतलब क्या होता है, ऑप्शन नंबर थ्री का मतलब अपग्रेड करना। ठीक है, क्या करना, अपग्रेड मतलब। और एक्सटेंड का मतलब क्या होता है, एक्सटेंड का मतलब होता है किसी चीज़ को इंक्रीज करना, बढ़ाना। और आपका जो रिडीम का मतलब होता है, यानी ऑप्शन नंबर टू का मतलब होता है, रिडीम का मतलब होता है रेस्क्यू। प्रेस्टीज मतलब आपको जो मालूम है क्या होता है, जो आपका प्रेस्टीज होता है, जो आपका प्रेस्टीज होता है उसका मतलब होता है कि मतलब एक तरह से इज्जत की तरह मान लो। ठीक है, उसको रिकवर करना या रेस्क्यू करना, ये होता है प्रेस्टीज का मतलब। प्रेस्टीज मतलब तो इज्जत होता है, मैं रिडीम की बात कर रहा था, रेस्क्यू करना है फिर जो है आपका। चलिए ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलते हैं। एग्रीमेंट डिनाइज देम द एडवांटेज ऑफ टिल फिंगर फोर। टिल फिंगर फोर का मतलब है 4 बजे तक, यहाँ पे ये बता रहा है टाइम। ठीक है, टाइम जो है बता रहा है पेट्रोलिंग। ठीक है, यहाँ पे डिसरिगार्डिंग, अबेंडिंग और नेग्लेक्टिंग का अगर मैं आपको मतलब बताता हूँ तो आप अपने आप समझ जाएंगे। डिसरिगार्डिंग का मतलब होता है टू इग्नोर करना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डाल के समझा देता हूँ, टू इग्नोर करना। ठीक है, इग्नोर करना। ऑप्शन नंबर थ्री का जो मतलब होता है वो होता है किसी चीज को छोड़ देना, टू गिव समथिंग, किसी चीज को जो है अबेंडन कर देना, छोड़ देना समथिंग।
क्वेश्चन नंबर 4, नेग्लेक्टिंग का मतलब होता है, इसका मतलब भी जो है एक तरह से इग्नोर करना ही होता है, किसी चीज़ को प्रॉपर अटेंशन ना देना, ठीक है, इसको भी इग्नोर कहते हैं। पेट्रोलिंग का जो मतलब होता है, पेट्रोलिंग का मतलब होता है आपका एक तरह की से वहाँ पे आके जाके देखना कि अगर वो सेफ है कि नहीं है। तो ऐसा पेट्रोलिंग कौन करता है ना, पेट्रोलिंग पुलिस वाले करते हैं, रात में पुलिस वाले पेट्रोलिंग करते हैं ना, सबके स्टेट में करते होंगे, कहीं कहीं नहीं करते हैं, पर जैसे कि अब बड़े बड़े त्यौहार आते हैं तो वहाँ पे जो है करते हैं पेट्रोलिंग, ठीक है, पुलिस लोग जो पेट्रोलिंग करते हैं कि कुछ गलत ना हो। ऑप्शन नंबर 59, सॉरी क्वेश्चन नंबर 59। पैशन, पैशन का एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की जो है क्वालिटी बताना। अगर जुनून है तो जुनून तो वही होगा ना, जिस बंदे में जुनून होगा, पैशनेट, हाँ वो जो बंदा है वो बहुत पैशनेट है इस चीज़ को लेके, इसमें जुनून बहुत भरा हुआ है इस चीज़ को लेके, ठीक है, वो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, नाउन फॉर्म क्या होगा नो का, नो का जो है ना आपका नाउन फॉर्म होगा नॉलेज, ठीक है, किसी के नेम प्लेस थिंग का जो है ये होता है। तो ज्ञान का मतलब क्या होगा, ज्ञान का मतलब ही ज्ञान होगा, बस वो नॉलेज, ज्ञान, नो जानना, किसी चीज़ को जानना, ज्ञान करना, तो ज्ञान जो है नॉलेज को बोलते हैं ज्ञान, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 जो है ना आपका, ये भी पी क्यू आर एस का है, लेकिन ये थोड़ा सा हार्ड लेवल पे है, थोड़ा सा क्या है हार्ड लेवल पे है। इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है, कहाँ पे देना है, कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। ये मैं आपके लिए कल लाया था बिकॉज, लेकिन कल भी टाइम ज़्यादा लग गया था और आज भी जो है टाइम ज़्यादा लग गया, क्योंकि पढ़ने के लिए भी बहुत कुछ था, मैंने आपको जो है एक तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो हैं पढ़ाई हैं, है ना। तो इसका जो है आपको कमेंट बॉक्स में क्या देना है, आंसर देना है, ये आपका क्या है होमवर्क है, बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, ठीक है, और सबका आंसर सही आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका जो नेक्स्ट वीडियो में है इसका आंसर ज़रूर बताऊँगा, ओके। और मुझे आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कि आपको और ऐसे क्वेश्चन चाहिए पी क्यू आर एस वाले, कि अब सब सारे आपको वो कैप के क्वेश्चन लाऊं, क्योंकि अब मैं सोच रहा हूँ कि पी क्यू आर एस वाले क्वेश्चन भी अब बंद कर देता हूँ और सिर्फ 4-5 दिन तक आपको, 4 दिन तक वो कैप के क्वेश्चन कराता हूँ ना, वो कैप के बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इससे, ओके। चलिए अब हम कल मिलते हैं ताकि जो है और क्वेश्चन कर पाएँ, और एक बार इस वीडियो को जो है ना लाइक कर देना, लाइक करके डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है, शेयर कर देना, आज टाइम ज़्यादा लग गया उसके लिए सॉरी चाहता हूँ। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, उधर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन बटन दबा लेना, और बाकी अब कल मिलते हैं हम कल की नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, और सबका आंसर कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए।